हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेक्शन नंबर सिक्स रिवोकेशन हाउ मेड इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस द सेक्शन फाइव व्हिच टॉक्स अबाउट द रिवोकेशन टाइम पीरियड फॉर एक्सेप्टेंस एज वेल एज फॉर द प्रोपोजल अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट स्टेप दैट इज सेक्शन सिक्स हाउ द रिवोकेशन इज मेड इन केस ऑफ प्रोपोजल कि जो प्रोपोजल है उसको रिवोक करने के तरीके क्या क्या हैं आपने भेज तो दिया उसके पास अब उसको रिवो कैसे हो सकता है ये प्रोपोजल ठीक है उसको देखते हैं एक बार तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है आप सभी को पता होगा एन टी पी सी एन टी पी सी इट्स ए पी एस यू विच मीनस नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जिसका हेडक्वाटर है न्यू दिल्ली में आपको यहाँ के यहाँ पे एक जी के क्वेश्चन भी पता चल गया एन टी पी सी हेडक्वाटर एट दिल्ली तो अब इस ट्रिक का यूज़ करते हुए यू कैन रिमेम्बर दी मैथड्स पहला आप नोटिस भेज दो एन स्टैंड फॉर नोटिस टी स्टैंड फॉर टाइम पी सी आप इसको कंडीशन प्रेसिडेंट बना सकते हो सी और पी को आगे इंटरचेंज कर सकते हो एंड डेली स्टैंड फॉर डेथ डी से डेथ ठीक है तो पहला हम डिस्कस करते हैं नोटिस कि भाई एक बंदा ए एक बंदा बी ए ने अपना ऑफर लेटर भेजा बी को एक मई को ये पोस्ट करता है और चार मई को ये रिसीव करता है क्या ऑफर लेटर जब ये बी इसको रिसीव करता है और इसने इसको भेज दिया अब जो नोटिस है ये कब तक वैलिड होगा ये हम अज्यूम करते हैं कि दो मई को ये अपना रिवोकेशन लेटर भेजता है इस, इसको ठीक है भेज सकता है ये लेकिन इसके भी कोई टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को हमने किस में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में सेक्शन फाइव के दौरान कि जब तक ये अपना मैं अज्यूम करता हूँ कि चार तारीख के बजाय जैसे अभी हमने ये लिखा हुआ है एक को इसने भेजा ए यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है ये ने अपना ऑफर लेटर भेजा बी को चार तारीख को इसको मिलता है दो दिन के बाद छः तारीख को ये पोस्ट करता है तो ये इसको रिवोकेशन लेटर कब तक भेज सकता है बिफोर सिक्स है बात तो नोटिस तो भेज देगा इसमें सिर्फ ये बताओ कि नोटिस से आप कर सकते हो लेकिन नोटिस का जो टाइम पीरियड है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो टाइम पीरियड क्या होगा छः तारीख से पहले पहले भेज सकता है ठीक है फॉर मोर क्लियरिटी यू कैन वॉच दी लास्ट वीडियो ऑल्सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ द टाइम पीरियड अब देखो इसने एक मई को अपना पोस्ट किया और चार मई को इसको पहुंचता है हम सेम इलेस्टेशन ही यूज कर रहे हैं थ्रू आउट द इसमें ठीक है अब देखो जो टाइम है इसने कोई टाइम प्रिस्क्राइब कर दिया कि भाई आपको जब ये मेरा ऑफर लेटर चार तारीख को जब रिसीव होगा तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड कि भाई टू डेज के अंदर यू हैव टू तो सेंड समथिंग अपना एक्सेप्टेंस लेटर मेरे को भेजना है दो दिन के अंदर अंदर या तीन दिन के अंदर चार दिन के अंदर एक डेफिनेट टाइम आपको बताना पड़ेगा ठीक है यदि आपने बताया हुआ है तो ठीक है कि भई आपको दो दिन के अंदर तीन दिन एक हफ्ते के अंदर 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 आपको अपना एक्सेप्टेंस बताना पड़ेगा अदरवाइज जो मेरा प्रपोजल ये रिवोक हो जाएगा ऑटोमेटिकली ठीक है नेक्स्ट केस रीजनेबल टाइम अब रीजनेबल टाइम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम अज्यूम करते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट का एक स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन है ठीक है स्पोर्ट्स ऑफिस है वो अपनी सिटी के अंदर कोई गेम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो उन्होंने टेंडर इन्वाइट किए कि भाई टेन डेज के अंदर अंदर उन्होंने कोई डेट फिक्स कर ली कि भाई ट्वेंटियथ ऑफ़ दिस मंथ वी आर गोइंग टू प्लान एंड कॉम्पिटिशन को भी कॉम्पिटिशन रख रहे हैं ठीक है तो उन्होंने टेंडर दे दिए टेंडर के लिए उन्होंने इन्वाइट किया अब कोई बंदा इक्कीस तारीख को आके बोलता है कि सर आई एम आल्सो विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस दें स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन कहेगा भाई अब तेरी ज़रूरत क्या है हमें बीस तारीख तक तो जो था काम हो चुका है नाउ गो टू देल्प भाग जाए यहाँ से ठीक है ना तो रिजनेबल टाइम पूरा होने के बाद उसका कोई यूज़ नहीं है तो वो प्रोपोजल जो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट इज कंडीशन प्रिसीडेंट मतलब क्या है ए ने जब अपना ऑफर लेटर दिया बी को उसने बोल दिया कि मैं अपनी कार पाँच लाख रुपए में बेच रहा हूँ ठीक है उसमें इसने कंडीशन मेंशन कर दी कि आपको प्रपोजल आपका यदि आपको आपके पास प्रोपोजल आया है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट आपने कंडीशन डाल दी कि आप एक्सेप्टेंस के लिए यू हैव टू गिव सर्टेन अमाउंट कि आपको दस परसेंट ऑफ दिस ठीक है मतलब पचास हज़ार रुपये आपको इस अकाउंट में भेजने पड़ेंगे तभी हमारा कम्युनिकेशन ये कंप्लीट होगा सर्कल ठीक है ना तो मतलब क्या कंडीशन डाल दी उसने नेक्स्ट पॉइंट डेथ का कि जो प्रोपोज़र है जैसे यहाँ पे ए है और बी है यहीं पे देखो एक ने एक मई को अपना लेटर पोस्ट किया चार तारीख को उसके पास पहुँचता है अब इन इन दिस केस दो मई को जो ए था जो जिसने लेटर भेजा था वो टपक गया मतलब तो ही एक्सपायर्ड तब दो कंडीशन बनती हैं कि भाई जो ये बी है इस बी के नॉलेज में आ गया चार चार तारीख़ से पहले जब उसके पास लेटर आया उससे पहले इसकी नॉलेज में आ गया कि भाई ए तो टपक लिया यदि ए टपक लिया तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड नहीं माना जाएगा बेशक वो साइन करके भेज दे एक्सेप्टेंस लेटर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते ठीक है क्योंकि इसको पहले पता चल चुका है कि दिस पर्सन इज डाइड यदि ये फैक्ट इसके नोन में नहीं आया इसके नॉलेज में नहीं आया देन ही हैज देन ही कैन सेंड इज कंसेंट और जो उसका एक्सेप्टेंस लेटर है ही कैन सेंड ठीक है तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नेक्स्ट इज अवर सेक्शन नंबर सेवन एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सल्यूट जैसे कि अभी जो लास्ट एग्जाम्पल कोई कंटिन्यू करते हैं इसने एक मई को अपना ऑफर लेटर भेजा जिसमें लिखा था कि पाँच लाख रुपये मेरी कार ले सकता है इफ़ यू वॉन्ट चार मई को इसके पास पहुँचता है तो यदि ये एज इट इज जैसे इसने बोला पाँच लाख में तो ये पाँच लाख रुपये ही इसको दे दे या खरीद ले देन इट्स एब्सोल्यूट ठीक है इसमें कोई भी कंडीशन नहीं यूज़ करेगी भाई कोई बार्गेनिंग नहीं है नहीं भाई पाँच सौ रुपये कम कर ले पचास रुपये कम कर ले दस हज़ार कम कर ले पाँच लाख से मैं तो चार लाख दे दूंगा तीन लाख दे दूंगा नौ जितना उसने मांगा है उतना ही उतना ठीक है बिल्कुल सेम नो नॉट ए सिंगल रुपीज ठीक है ना एज इट इज इसको आप समझ सकते हो जितना इसने मांगा उतना ही बी इसको दे रहा है तब ये क्या माना जाएगा एक्सेप्टेंस आपकी आपसे ल्यूट माना जाएगी अदरवाइज क्या हो जाएगा जैसे ए ने जब बोला कि पाँच लाख रुपए में कार ले ले तो बी बोलता है नहीं भाई मैं तो चार लाख दूंगा तो अभी बी अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा इसको अब बी क्या कर रहा है बी इसको ऑफर दे रहा है इस केस में बी क्या बन गया प्रोपोजर अब ये क्या बन जाएगा एक्सेप्टेंस चल ठीक है यार गर्ना पड़ी बड़ी खराब ना होगी क्यों ना चार लाख में लग गए तो लगा दूँ उसने ठीक है ना ये भी केस बन सकता है तो चार लाख में इसने क्या किया प्रपोज किया अब ये चार लाख में ये क्या कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है इस केस में ये बन जाएगा प्रोमिसर और ये बन जाएगा प्रोमिस ठीक है ना अभी इसका यहाँ ए का प्रोपोजर का काम नहीं करेगा तो मतलब क्या एक्सेप्टेंस के लिए बिल्कुल ही सेम होनी चाहिए जो इसने बोला उतना ही जो ये एक्सेप्टेंस है ये उतना ही अमाउंट दे दिए उसको ठीक है उसको बोलेंगे हम एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट नेक्स्ट इसी के सेवन में ही है रीजनेबल मैनर को डिस्कस किया हुआ है नेक्स्ट केस क्या है कि जो मैनर है इनका कम्युनिकेशन का दैट शुड बी रीजनेबल कि भाई ए ने ऑफर लेटर भेजा बाय पोस्ट और बी ने भी इसको बाय पोस्ट अपना एक्सेप्टेंस दे दिया तो क्या हो गया ठीक है ये बात बिल्कुल ठीक है यदि ए इसको बोल दे कि भाई आपको इसने कोई प्रिस्क्राइब मैनर रख दिया कि आपकी एक्सेप्टेंस केवल तभी मानी जाएगी यदि आपने इस तरीके से ही भेजा जैसे ये इसको बोलता कि भाई पोस्ट से भेजो ठीक है ए, 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 एक मिनट रुको अभी इसने बोला कि भाई इसने तो भेजा इसको पोस्ट से अब ये इसने भेजा इसको ईमेल से तो कॉन्ट्राडिक्टी हो गया ना भाई ये भेज रहा पोस्ट से और ये थोड़ा टेक्निकल स्मार्ट बनता है इसने इसको ईमेल से भेज दिया कि हाँ भाई मैंने तेरा एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन ये इसको डिनाई भी कर सकता है यदि इसने लिखा हुआ है जैसे कई बार होता नहीं है लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ था डी के अंदर जब मैं पी के लिए अप्लाई किया था तो उन्होंने बोल दिया कि जो रिसर्च प्रोपोजल होता है आपका यू हैव टू सेंड इट टू द ई मेल एंड बाई स्पीड पोस्ट ऑल्सो तो मैंने ई तो भेज दिया मैंने स्पीड पोस्ट नहीं किया तो उन्होंने मेरा फॉर्म कैंसिल कर दिया ठीक है तो ये दे दे कैन डू तो अब ये वही केस है यदि इन्होंने एक कोई प्रिस्क्राइबड मैनर रखा हुआ है तो आपको उसी से करना पड़ेगा अब यहाँ पे इस ए की भी ड्यूटी बनती है क्या अब देखो यदि ए ने भेजा इसको बाय पोस्ट ए ने भेजा बाई पोस्ट बी ने किया ई यदि ए इसको बताता नहीं है कि भाई आपको अपना जो लेटर है एक्सेप्टेंस का बाय पोस्ट ही भेजना पड़ेगा यदि बाय पोस्ट नहीं भेजते हो तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी बात समझ आएगी अब यदि ए इसको ये नोटिफाई नहीं करता है कि भाई बाय पोस्ट से भेजो तो इसका मतलब क्या है इफ़ ही फेल्स टू डू सो मतलब यदि ए इसको नहीं बताता है कि भाई पोस्ट ई से नहीं बाई पोस्ट भेज तो इसका मतलब क्या है ये मान चुका है कि ठीक है भाई जो तूने भेजा है मैं उस, उसी को ही मैंने मान लिया है ठीक है ना तो ये है हमारा सेक्शन सेवन ठीक है अब हम देखते हैं सेक्शन नाइन दैट टॉक्स अबाउट प्रोमिस एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइड कि एक्सप्रेसली प्रोमिस कौन सा होता है और इम्प्लाइड क्या होता है अब प्रोमिस का हमें पता है जब हमने कोई ऑफर दिया और किसी सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया प्रमिस ठीक है अब ये जो प्रामिस है ये बाई वर्ड्स भी हो सकता है और अदर देन वर्ड्स भी हो सकता है यदि वो वर्ड्स की हेल्प से होता है तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेसली और यदि वो विदाउट वर्ड्स वो तो उसको बोलते हैं इंप्लाइड अब एग्जाम्पल से समझते हैं इन दोनों को जैसे अभी अपना सेम जो एग्जाम्पल चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते हैं ए ने इसको बाई पोस्ट भेजा ऑफर लेटर इसने अपनी एक्सेप्टेंस लेटर भेजा बाई पोस्ट भेजा बाई, बाई फोन किया कुछ भी किया इसने पोस्ट किया इसने ई कर दिया फ़ोन कर दिया कुछ भी कर दिया वाई वर्ड्स ही हैज़ कन्वीड चाहे रिटर्न किया हो चाहे और लिखा हो ही हैज़ कन्वीड तो मतलब क्या है उसने एक्सप्रेस एक्सप्रेस कर लिया अपने आप को ठीक है ना उसने आपको एक्सप्रेस किया है वाया वर्ड्स और वाया यू कैन से वर्ड्स में दोनों आगे रिटर्न भी बोल भी के भी कर सकता है और लिख के भी कर सकता है बाई पोस्ट ठीक है ना अब इम्प्लाइड में क्या है अब आप देखो आप एक दुकान आप मॉल में जाते होगे वहाँ तो पे कई बार बार बंदे खड़े रहते हैं वो कहते हैं कि सर अंदर आओ एंड जस्ट टेक दिस जीन्स और टेक दिस आइटम एट फाइव हंड्रेड रुपीज़ तो ही इज़ ऑफरिंग यू राइट ही इज़ ऑफरिंग यू एंड यू जस्ट पेड हिम फाइव हंड्रेड रुपीज़ विदाउट एक्सप्रेसिंग एनी थिंग ठीक है ना आपने इसको कुछ बोल के दिया मतलब ना कुछ बोला ना कुछ लिख के दिया वट यू डिड आपने पाँच सौ रुपये अपनी जेब से निकाले और उसको पकड़ा दिए तो मतलब आपका एक जैसर ही, ही हुआ ना ये इंप्लाइड मतलब जैसर ही हुआ ना यू हैव एग्रीड कि हाँ आई एम विलिंग टू पे यू फाइव हंड्रेड रुपीज़ सुनाया आपने ना तो उसको कोई लेटर दिया ना ही आपने उसको बोला हाँ हाँ मैं आपको accept, आपका एक्सेप्ट आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा हूँ जस्ट आपने पाँच सौ रुपये जेब से निकाले और उसको दे दिए वट दैट जेस्टर कन्वे कि यू आर एग्रीड टू हिज प्रपोजल सुना है बात तो अब हम एक बार सेक्शन टू और देख लेते हैं सेक्शन टू को पूरा कैसे याद कर सकते हैं हम अब देखो आपको ये तीन वर्ड याद करने पड़ेंगे पी पी डैस पी पी डैस मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ पी पी डैस जो सी ए हो लोग होते हैं ना सी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वो अपने आप से पूछ रहे हैं आर वी सीविलाइज क्या हम सभ्य हैं पी पी डैस सी ए जो सी होते हैं सी अपने आप से पूछ रहे हैं आर वी सिविलाइज सी ए बोलता है आर वी सिविलाइज ठीक है आर वी सिविलाइज भाई सी ए तो पढ़े लिखे माने जाते हैं ना हमारे समाज में कि तो भाई बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल इंसान ही है तो अपने आप से पूछ रहे हैं आर वी सिविलाइज तब देखो लिख लिया अब ऊपर आप ये सारी अल्फाबेट्स लिख लो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे जे भी आएगा लेकिन जे की जरूरत नहीं है सेक्शन टू में जो पहला पी दैट स्टैंड फॉर प्रोपोजल नेक्स्ट स्टैंड फॉर प्रोमिस डे स्टैंड फॉर प्रोमिस का ही जो ये प्रोपोजल और जो इसका एक्सेप्टेंस है उसी के बारे में बताया हुआ है जो प्रोपोजल भेजता है प्रोमिजर जो एक्सेप्ट करता है प्रोमिस ही देन सी स्टैंड फॉर कंसिड्रेशन ए स्टैंड फॉर एग्रीमेंट आर स्टैंड फॉर एसीप्रोकल प्रोपोजल वी स्टैंड फॉर वोइड कभी भी आप वोइड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज़ मत कर देना कभी भी आपके मार्क्स कट जाएंगे वोइड कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि वोइड क्या होता है नल लैटी जिसको लो ने नल करार दिया है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जिसको लो ने पास कर दिया तो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है मतलब वो ये लो इसको पास कर रहा है इसको पास कर रहा है इसको नल साबित कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वॉइड पर वर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट ए सिंगल वर्ड मतलब ये आप एक, एक साथ यूज नहीं कर सकते वर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप ये कह सकते हो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ठीक है मैन so, डिफरेंस तो आप वर्ड यूज करोगे सिंपल इट्स नॉट ए वर्ड कॉन्ट्रैक्ट इट्स द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वर्इड आप ऐसे ऐसे वर्ड यूज करोगे नेक्स्ट सी फोर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड वी स्टैंड फॉर वायडेबल अब आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो प्रपोजल उसको एक्सेप्ट कर लिया इट बिकम्स प्रोमिस प्रोमिस में कंसिड्रेशन डाल दी एग्रीमेंट बन गया एग्रीमेंट को यदि इनफोर्स करा लिया तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया तब इसको ऐसे भी याद कर सकते हो टू ए टू ए में कुछ एड डाला टू बी बन गया टू बी प्लस टू डी इट बिकम्स टू ई एग्री देखो ई ई एग्री ई ई साउंड आ रही ना तो रट लो इसको एग्रीमेंट ई टू ई एग्रीमेंट अब एग्रीमेंट कर फोर्स करा लिया कॉन्ट्रैक्ट बन गया एच सेक्शन में ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही सी यू द नेक्स्ट थैंक यू बाय